आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है। आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। राजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी तारे नीले आसमान के तले है। जय हो शुभ नाम, जय हो गांव में दे, जय हो हमें दे, जय हो बेगम दे। Thank you.
रहमान रहीम। आज का दिन हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बेइंतहा खुशी व मकसद का दिन, मुबारकबादी का दिन कि आज के दिन 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेजों की हुकूमत से हमको नजात मिली, अंग्रेजों के जुल्म और सितम से हमको नजात मिली और आज हमारे मुल्क भारत का, हिंदुस्तान का 75वां यानी 75th इंडिपेंडेंस है। सबको मुबारक। हिंदुस्तान, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहरहाल हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए हजारों लाखों जानों ने कुर्बानी दी, जिनमें काबिले जिक्र सिराजुद्दौला, बंगाल में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। 1799 में मैसूर में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए। फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर की क़ियादत में तहरीक आज़ादी का आगाज हुआ और उनमें अल्लामा फजल हक खैराबादी इस पहली तहरीक आज़ादी के हीरो रहे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह, ये वो नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी सूली को चूम लिया। सूली पे चढ़े मौलाना फजल हक खैराबादी काले पानी की सजा पाई और वहीं पर इंतकाल फरमाया। फिर दूसरी तहरीक आजादी की क़ियादत हमारे मुल्क के बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने क़ियादत की। आज हिंदुस्तान महात्मा गांधी के उस कारनामे को भूल नहीं सकती। जब तक हिंदुस्तान क़यामत तक कायम है, महात्मा गांधी का नाम सुनहरी हुरफों में लिखा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे सूरमाओं ने भी हमारी तहरीक में हिस्सा लिया। आज हमारे मुल्क को जरूरत है तो सारे हिंदुस्तानी अपने बच्चों को काबिल बनाए, तालीम याफ्ता बनाए। जब हिंदुस्तानी एजुकेशन में पीछे रहेंगे, हमारे मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। इसीलिए हर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने बसने वाला तालीम याफ्ता बने, आज की ये सख्त तरीन जरूरत है। हमारा हिंदुस्तान जो आज सुपर पावर अब तक नहीं बन सका इन 75 सालों में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान में तालीमी पसमानदगी रही। लिटरेसी रेट जो तय होता है वो इस बात पे होता है कि आपको अपना नाम लिखने आता है कि नहीं, लेकिन सिर्फ नाम लिखने से काबिलियत नहीं आएगी, आपको सही माने में तालीम हासिल करना होगा और वो भले ही किसी लैंग्वेज में हो, लेकिन जब तक बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। और
आजादी के इस जश्न में मैं बच्चों से ये खुसूसी पैगाम देता हूँ कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारे, कोई नहीं पूछेगा कि आपने व्हाट्सएप कितना देखा, कोई नहीं पूछेगा कि आप फेसबुक पे अपने कितने पोस्ट किए, बल्कि ये देखेगा कि आप किस तरह से अपने तालीम को हासिल किया, कौन सी डिग्री हासिल की, और सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सही माने में काबिल बनना है, तालीम याफ्ता बनना है। और इसमें माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने औलाद को सिर्फ स्कूल में मदरसे में भिजाने से कुछ नहीं होता, बल्कि बच्चों को जब वो वापस आए तो उनकी पूरी निगेबानी करें, वो देखें कि वो सही माने में तामील तालीम हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर माँ बाप का साथ ना हो तो कोई मदरसा कोई स्कूल कामयाब नहीं हो सकता, जब तक कि उसके माँ बाप उसका साथ ना दे, उस इदारे का साथ ना दे। मैं माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी इस कोशिश में आप भी अपना हिस्सा बांटें, अपना हिस्सेदारी अदा फरमाएं, और बच्चों को काबिल बनाने में आप साथ देंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला इस स्कूल को और मजीद तरक्की देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज के इस 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ हो चुका और मजीद कंप्यूटर्स का इजाफा इंशाअल्लाह अन करीब होने वाला है और फुल फ्लेज कंप्यूटर सेंटर इस स्कूल में शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह। बहरहाल इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपसे रुख्सत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। Thank you so much, Sahib Mirza, for giving such a valuable words through your message and speech. Thank you so much again. And really, we have to proud to be an Indian. Okay, all of you say Jai Hind one time. And give a huge round of applause for Sahib. Come on, all of you.